नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूपी हंटर न्यूज टीवी में। मैं अतुल तिवारी आपको लेकर आया हूँ जनपद सीतापुर के अटरिया थाने में, जहाँ पर 25,000 का वांछित इनामी अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें, अटरिया थाना पुलिस ने पुलिस पर हमले सहित कई मामलों में 25,000 रुपए इनामी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अटरिया थाना के शंकरपुर कलवारी गांव में अभियुक्त विपिन मिश्रा पुत्र निर्मल सिंह को एक मामले में गिरफ्तार करने आई पुलिस टीम पर विपिन व उसके दर्जनों सहयोगी ने हमला कर उसे व उसके पिता को फरार कर दिया था। उक्त मामले को आधा दर्जन पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे एवं पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ था। तभी से अभियुक्त फरार चल रहा था व पुलिस ने अभियुक्त पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। आज अटरिया पुलिस टीम के अभियुक्त को एक अवैध तमंचा तथा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक दीपक कुमार पांडे, उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह, कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार व पवन कुमार शामिल रहे। थाना प्रभारी अवधेश यादव ने बताया कि अभियुक्त पर 11 मुकदमे विभिन्न मामले में पहले से ही दर्ज हैं। आपको बता दें कि अटरिया थाना के बौनाभारी निवासी अंजनी मिश्रा ने विपिन मिश्रा व उसके पिता निर्मल मिश्रा व बौनाभारी निवासी देवानंद पर जानलेवा हमला का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस मामले में उप निरीक्षक दीपक पांडे व उनकी टीम अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई हुई थी। पुलिस ने उसी दिन पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में 8 लोगों को जेल भेज दिया था। अभियुक्त विपिन व उनके पिता निर्मल मिश्रा फरार हो गए थे, जिसमें निर्मल मिश्रा व देवानंद भी फरार बताए जा रहे थे। आपराधिक इतिहास के अनुसार इन पर कई धाराओं का मुकदमा पहले से ही दर्ज है। आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज टीवी। पंचायत चुनाव को लेकर के उन गांव में तनाव हुआ था। इसी बीच में तनाव अटरिया में एक विपिन मिश्रा नाम के व्यक्ति ने अपने गाँव के पटीदार की पिटाई की थी और अवैध तमंचे से फायर किया था तथा पुलिस के मौके पर जाने पर पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसने तब से वो लगातार वांटेड चल रहा था, उस पर 25,000 रुपये गिरफ्तारी पे नाम घोषित किया गया था। आज हमारे नाटरिया की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है और आज वो जेल जा रहा है।